भिंड शहर के दयाल मैरिज गार्डन में भिंड विधानसभा का अनुसूचित जाति कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, गोहद विधायक मेवा राम जाटा सहित जिले के कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। यह कार्यकर्ता सम्मेलन भिंड विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे युवक सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र भदौरिया पिंकी के द्वारा किया गया था। गौरतलब है कि प्रदेश में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक दल वोटों की घेराबंदी में जुट गए हैं और छिटके हुए वोट बैंक को दोबारा पार्टी से जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा भिंड विधानसभा का अनुसूचित जाति जनजाति कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लहार से विधायक और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, गोहद विधायक मेवा राम जाटव, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष विजय गोयल सहित जिले के अन्य नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर 3 दर्जन से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक धर्मेंद्र भदौरिया ने कहा कि ग्वालियर और चंबल अंचल में 34 विधानसभा सीटें हैं और आज अन्य पार्टियों से आए 34 लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जो इस बात का संकेत है कि ग्वालियर चंबल अंचल में इस बार भाजपा का सफाया होने वाला है। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार बनी भजन की, अभी भाजपा की मजबूत पार्टी की सरकार बनी है मायावती के साथ, मायावती के सहयोग से बनी। मायावती ने टिकट जो है यहाँ के मंत्री नाम नहीं दिए, जो मंत्री हैं नहीं कहते कौन, हमें मंत्री ने बताया, हमें जांच के वहां आगे 222 टिकट भाजपा सभा पार्टी ने मायावती ने भाजपा को दे दिए। मित्र जान राम ने अपने आप बता दो भैया, आज हमारा जो पुराना वोट बैंक था जो हमसे कई सालों से दूर हो गया था, हमने पहल की कि अनुसूचित जाति जनजाति का एक सम्मेलन भिंड विधानसभा का कराया जाए और जिन जिन के पास गया उन्होंने हाथ फैला के मेरा स्वागत किया और पूरा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भारी तादाद में आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए और दिखा दिया कमलनाथ जी की